आज मैं ज़ू पार्क को आया था, जो कल शाम में हादसा हुआ। ज़ू पार्क के अंदर मोहम्मद शहबाज़ नाम का लड़का था एक, ये पिछले 4 साल से ज़ू पार्क में एनिमल केयर टेकर थे नो, और ये बच्चे के वालिद साहब असल जॉब पे थे। उनका इंतकाल हुए बाद ये बच्चे को नौकरी मिली थी। पिछले 4 साल से बच्चा इस ज़ू पार्क में नौकरी कर रहा था, और बच्चे की ड्यूटी क्या बोलते सो हाथी के ऊपर थी। और एक ऐसा हादसा हुआ, ये बच्चा चारा डालने के लिए हाथी को गया, और इमीडिएटली हाथी इनको बच्चे को गिराकर ये बच्चे के ऊपर पाँव रखा, और ये बच्चा एक थोड़ी देर के अंदर इंतकाल हो गया। जैसा मालूम हुआ, इमीडिएटली मैं डायरेक्टर ज़ू पार्क से कल रब्त पैदा करा, उसके बाद क्यूरेटर से बातचीत करा, और हमारे एरिया कॉरपोरेटर जनाब रमनसपुरे के जो थे खादर साहब, उन्होंने भी फ़ौरन यहाँ पर आ गए थे। और उसके बाद आज निकल कर मैं पोस्टमार्टम आज सुबह हुआ, उसके बाद बॉडी आई अभी। और हम डिमांड करे थे ज़ू पार्क के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि बच्चे को माहिदा होना चाहिए और बच्चे के फैमिली में से एक बच्चे की नौकरी देना चाहिए। और यहाँ के जो ज़िम्मेदार थे, इमीडिएटली ये बच्चा कमारा है, ये बच्चे के एक माँ है और 4 बहना है, 2 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहना कमारे हैं। हमारे सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नुमाइंदगी करे थे, बड़े ऑफिसर्स के ज़रिए बातचीत हुई थी। इमीडिएटली ये बच्चे की फैमिली को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से 5 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है। और बच्चे के जो बहना थे, एक बहन को इमीडिएटली गवर्नमेंट जॉब इस ज़ू पार्क में दिया जाएगा। हम हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, जितने भी बेनिफिट्स और मिल सके ये बच्चे की फैमिली को मिलना चाहिए। मैं अभी सीनियर ऑफिसर से बातचीत करा इस ज़ू पार्क के, तो लोग बोले सर इंश्योरेंस के तहत भी और पैसा इनको मिलता, हम वो भी कार्रवाई करके जल्द से जल्द दिलाएंगे, वो पैसा भी मिलेगा। बस एक हादसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ ये, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम फैमिली को जितना हो सके मदद करें। शुक्रिया आप तमाम।